सो so, हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिसेकॉन वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बी एस सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जो हैट्रोसाइकिल कंपाउंड लेशन है इस लेसन से इम्पॉर्टेंट एम सी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ आपको सोलूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैट्रोसाइकिली कंपाउंड आपको बताना है कि कौन सा इसमें हेट्रोसाइकिलिक कंपाउंड नहीं है तो इस सिचुएशन में ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइकिलिक कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक ठीक है यहाँ पर आपको चार ऑप्शन पहला है पिरीडीन पायरोल फ्यूरान और पाइपरीडीन ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा ठीक है अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दन एटम इन, इन पीरिडीन इज तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा एस पी टू हाइब्रिडाइज ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर टफ नहीं बनेंगे ठीक है तो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर से करें और कंसेप्ट जो है क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि अगर इसके बेस्ट पर अगर क्वेश्चन आता है तो ताकि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है पिरीडीन हैज़ अ डीलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कंटेनिंग यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा सिक्स इलेक्ट्रॉन्स पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पाइरोल इज लेस बेसिक देन पिरीडीन बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन यन एटम इन पाइरोल ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा इज अ पार्ट ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है अब चलते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पेरीडीन इज लेस बेसिक दैन ट्राई मेथिल अमीन बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन यन एटम इन पिरीडीन रिसाइड्स इन तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा एसपी टू हाइब्रिड ऑर्बिट ऑर्बिटल ठीक है सातवां क्वेश्चन कह रहा है पिरीडीन रिएक्ट विथ एचियल टू फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा पिरीडीनियम क्लोराइड ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पिरीडीन अंडर गोज इलेक्ट्रोफ्यूलिक सब्सटीट्यूशन विथ फ्यूमिंग एच टू एस, तू तू एस तो फोर एट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टू गिव यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा थ्री पिरीडीन सल्फोनिक एसिड ठीक है नवा क्वेश्चन देखते हैं नवा क्वेश्चन कह रहा है पिरीडीन रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ के एनो थ्री एंड यच टू एच फोर एट थ्री हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा थ्री नाइट्रो पिरीडीन ठीक है दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं तो दसवां क्वेश्चन कह रहा है पिरीडीन अंडरगोज न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन विथ यन एन टू एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा टू अमीनो पिरीडीन ठीक है अब चलते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक ग्यारहवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विथ द पायरोल टू फॉर्म टू फॉर्मिल मी पायरोल ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बारहवा क्वेश्चन देखते हैं बारहवां क्वेश्चन कह रहा है फ्यूरॉन रिएक्ट विथ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिना एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा पाइडोल ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर तेराविच ऑफ द फॉलोइंग रियज रिएक्टेंट सॉरी रियजेंट विल रिएक्ट विथ फ्यूरान टू फॉर्म टू फ्यूरोन सल्फोनिक एसिड तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा यस्सो थ्री इन पीडिन एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है चौदहवा क्वेश्चन कह रहा है वेन एनिलीन इज हीटेड विथ ग्लिस इन द प्रजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोबेंजिन इट गिव्स क्यूनोल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा स्क्रॉप सिंथेसिस तो यहाँ पर टोटल मैंने फोर्टीन क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बताया है ये जो क्वेश्चन है हेड्रोसैक्लिक जो कंपाउंड चैप्टर है इस चैप्टर से तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा ताकि इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें पेपर टफ़ नहीं आएगा ठीक है तो मेरे हिसाब से मैं आपको कंप्लीट सोलूसन और प्लस जो क्वेश्चन है प्रोवाइड करा चुका हूँ मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं समझाया कल कल ही पेपर है और यहाँ पर समझा के टाइम वेस्ट नहीं करना है मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ और उसका सोलूशन डायरेक्ट बता दिया हूँ जो कंसेप्ट है वो आपको खुद जानना है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को काफ़ी पसंद आया है पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय